बाबा जी मुझे वो कथा भी याद आ जाती। बाबा जी जहां युधिष्ठिर संत के जीवन को देखकर रोने लगे, अर्जुन भी रोने लगे, भगवान कृष्ण भी रोने लगे और फिर संत भी रोने लगे। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था कि चलो एक आत्मरामी अकाल स्वरूप में विश्रांति पाए हुए, अपने हृदय मंदिर में पहुंचे हुए, अपने आप को ही शुद्ध बुद्ध चिद घन चैतन्य रूप में पाए हुए परम सुख के धनी संत के दर्शन करा दूं तुमको। उत्साह पूर्वक तीनों पहुंचे एकांत अरण्य में, रथ जहां तक चल सका, फिर पगडंडी की पकड़ी, बिलोरी कांच जैसा झरना बह रहा है, कुछ पौधे फल फ्रूट आदि। संत शाम का समय था, छाया के उस सुहावने वातावरण में आकाश के तरफ देखे ब्रह्म रस में मग्न थे। तीनों ने दर्शन किया और युधिष्ठिर रो पड़े। अर्जुन चुप कैसे रहे? अर्जुन ने भी रोना चालू किया, श्री कृष्ण कहां चुप रहे? महात्मा चारों के चार रोए। रुदन जब समाप्त हुआ तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूछा कि प्रभु आप क्यों रोए? कि अर्जुन तू क्यों रोया? बोले बड़े भाई रोए तो छोटा चुप कैसे रहे? मैं भी रोया। अब बड़े भाई बताए क्यों रोए युधिष्ठिर जी? युधिष्ठिर कहते हैं मैं इसलिए मुझे रोना आया कि दिन दिन आयुष्य क्षीण हो रही है, दुर्लभ मनुष्य देह और वो क्षण भंगुर, उसमें भी महापुरुषों का संपर्क मिला है, फिर भी हम थोड़ी देर में चले जाएंगे अपने आपदा पे। कहां तो इनका निर्विकार ईश्वरीय सुख और कहां हमारा रागी द्वेषी कामी क्रोधी ललनाओं के और मंत्रियों के खुशामतखोरी का गंदा जीवन। कहां तो आत्म शांति पाए हुए महापुरुष की जिंदगी और कहां मुझ युधिष्ठिर की दलदलमयी जिंदगी। मैं अपने भाग्य को रोता। अर्जुन तू क्यों रोया? बोले भाई रोए तब रोया मैं। महात्मन तुम क्यों रोए? बोले मैं इसलिए रोया कि मैं इतना विरक्तता करके समय बचाने के लिए साधु बन गया, एकांत में आया, अभी अभी तो मेरी परमात्मा विश्रांति की यात्रा हो रही है और युधिष्ठिर जैसे प्रसिद्ध राजा आ गए। युधिष्ठिर जाते तो दूसरे लोग भी आने लगेंगे। मेरा ईश्वरीय मस्ती का समय लोग नोच लेंगे। कृष्ण आप भी आ गए कि भगवान कृष्ण भी गए थे, अर्जुन भी गए थे। मेरा समय खिंच जाएगा, बहिर्मुखता में मेरा समय तबाह हो जाएगा। खुशामत खोर अथवा और कोई इरादों के लोग आकर मेरा समय शक्ति सब नोच लेंगे। क्या मेरा गंदा प्रारब्ध है? हे देव क्या प्रकोपित हुए हो? ईश्वरीय शांति, ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय आनंद छुड़ाकर तू तू मैं के परपंच में घसीटने वाला माहौल देखा आपके आने से हो जाएगा, इसलिए मैं रोया। श्री कृष्ण आप क्यों रोए? श्री कृष्ण कहते हैं कि महात्मन अब ऐसा कलयुग आ रहा है कि तुम्हारे जैसे आत्मा परमात्मा में विश्रांति पाए हुए संतों का मिलना दुर्लभ हो जाएगा। कभी मिल भी गए तो अभागे लोग उनको पहचान नहीं सकेंगे। मठ मंदिरों में
मूर्तियों में और अपने बनाए हुए भगवानों में उलझ जाएंगे। वास्तविक मेरा भगवत स्वभाव में लाने वाले संतों की कद्र करने वाले ऐसे राजा भी नहीं होंगे। युधिष्ठिर ने तो आपके दर्शन करके आपके जीवन की महिमा जानकर अपने राज्य वैभव की तुच्छता महसूस की, लेकिन कलयुग ऐसा आएगा कि तुच्छ राजा अपनी निगाहों से संतों को ही साधारण मानेंगे, अपने को ही बड़ा चढ़ा मानेंगे। मेरे राज्य में संत रहते हैं, मैं बड़ा। युधिष्ठिर जैसे बड़ी बुद्धिमानी वाले राजाओं का भी अभाव होगा और ऐसे महापुरुषों का भी, यत किंचित कहीं पर मिलन जुलन हो। और अभागे लोग उनको पहचान कर फायदा लेने के बदले संसारी गुत्थियों में ही गुत्थियां खाते उनका भी उपयोग संसारी सुविधाओं के लिए करेंगे। ऐसे अभागे कलयुगियों कहां तो सम्राट और कहां दो पैसे के चने मांगना, कहां तो हीरा माणिक मोती का जवाहरात का जवेरी और कहां उसे आलू मटर और मूंग मांगना, कहां तो आत्म परमात्मा से मिलाने की दृष्टि बरसाने वाले आत्मरामी संत और कहां उनसे संसारी उल्लू सीधा कराने वाले उल्लू मती के लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। ये कलयुग के दोष को देखकर मानवता का हरास का भविष्य अंधकार में सोचकर मुझे भी रोना।